हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने माइंडसेट 1952 एमसीक्यू प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में उस प्लेलिस्ट का हम लोग पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। SCCL माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तक का लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी ने बोला है कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम ली है, CBT एग्जामिनेशन ली है, उनसे वो लगातार कॉन्टैक्ट में है और जो भी सूचना मिलेगी वो अपने साइट पे उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसी निराशाजनक स्थिति में जो बच्चा अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेगा आगे जाके उसी को सफलता मिलेगा। तो जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको फेस करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूं ताकि आप लोग देखें, प्रैक्टिस करें और अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अब बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने माइंडसेट 1952 का पार्ट नंबर 3। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर डिस्क्लोजेस कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 10 ही शॉल बी पनिशेबल विथ। जब आप सेक्शन 10 माइंस एक्ट का पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब तक जरूरत ना हो, जब तक इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को जरूरत ना लगे तो किसी भी तरह का जो इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है, रजिस्टर है, वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा अगर इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर करते हैं तो उनको क्या सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए 3 साल का जेल होगा, ऑप्शन नंबर एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी 2 साल का जेल होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 साल तक का जेल प्लस फाइन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी 5 साल का जेल इम्प्रिजमेंट यानी जेल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट, यानी कि उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 1 साल का जेल प्लस फाइन जो हो सकता है अगर कोई भी डिस्क्लोजमेंट अगर हुआ, नेसेसरी नहीं था, फिर भी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के बाद रजिस्टर या फिर कोई भी एक्सट्रैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इन विच ऑफ दिस सेक्शंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कांट एक्ट एज अ इंस्पेक्टर। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़िएगा तो उसमें ये लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक इंस्पेक्टर का रोल अदा कर सकता है लेकिन 3 सेक्शन को छोड़ के। वो सेक्शन कौन कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 9A, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 22A, ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें एक ही ऑप्शन है जिस सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना इंस्पेक्टर का पावर यूज नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। इसके 22A सॉरी, इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 61 में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर का पावर का यूज नहीं कर सकता है, एज अ इंस्पेक्टर एक्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चा वाला, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन माइंस एक्ट 1952। जैसा कि हम लोग CMR में पढ़ते हैं कि टोटल 260 रेगुलेशन है और 17 चैप्टर है, उसी तरीके से माइंस एक्ट 1952 में कितना चैप्टर है। ऑप्शन नंबर ए 9 चैप्टर, ऑप्शन नंबर बी 10 चैप्टर, ऑप्शन नंबर सी 11 चैप्टर, ऑप्शन नंबर डी 12 चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 10 है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है ये सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कीजिए। माइंस एक्ट 1952 कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नंबर ऑफ रेगुलेशन फ्रेम अंडर माइंस एक्ट 1952। अब आपको पता होगा कि जो भी रूल बना है जो आप लोग पढ़ते हैं लेजिस्लेशन में और जो भी CMR जो भी यानी कि रेगुलेशन बना है वो सब बना है माइंस एक्ट के अधीन में, यानी कि माइंस एक्ट के अंडर में उसको फ्रेम किया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि माइंस एक्ट 1952 के अंडर में कितने रेगुलेशन को फ्रेम किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो 3 कौन कौन सा रेगुलेशन है, कोल माइन रेगुलेशन, मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन और ऑयल माइन रेगुलेशन यानी कि OMR। ये तीनों रेगुलेशन जो है वो माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, माइंस एक्ट 1952 वाज इनेक्टेड ऑन। एक बात मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ही बता दूं, इंप्लीमेंट होना यानी कि इन्फोर्स होना और इनेक्ट होने में डिफरेंस है। माइंस एक्ट 1952 इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1952 को। क्वेश्चन ये है कि इनेक्टेड यानी कि ये इनेक्ट कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1951, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1952, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1952 या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई 1952। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च 1952 को माइंस एक्ट 1952 इनेक्टेड हुआ था और 1 जुलाई 1952 को क्या हुआ था, माइंस एक्ट 1952 इनफोर्स हुआ था यानी कि लागू हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 डैश शॉल अफोर्ड द इंस्पेक्टर ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर मेकिंग एनी एंट्री या फिर इंस्पेक्शन।
सेक्शन नंबर 6 के तहत माइंस का कौन ऐसा पर्सन है जो इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर को सारा रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो उनको इंस्पेक्शन में या फिर रजिस्टर में कुछ मेंटेन करने में एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी RIM यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे शॉल बी काउंटेड एज। जब भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे होता है तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे जिस पर्सन पे हो रहा है यानी जिसका मेडिकली फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है उसका जो भी टाइम वहां पे बकाया हो रहा है मेडिकल फिटनेस में वो टाइम कैसे काउंट होगा। ऑप्शन नंबर ए रेस्ट डे, उसका रेस्ट डे माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ओवर टाइम, उसका ओवर टाइम माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्किंग टाइम माना जाएगा, जितना भी टाइम लगा ये क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे को करने में। या फिर ऑप्शन नंबर डी रिक्वायर्ड बाय इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो भी बोले उसके हिसाब से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्किंग टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर एनी एरिया इन विच IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट ऑर्डिनरली ऑब्जर्व डेट विल नॉट स्पेसिफाई। देखिए अब हम लोग को पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है। जिस एरिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल बनाता है। उस रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए उस एरिया को जहाँ पर ये रूल बना है, ऑप्शन नंबर बी उस एरिया का लोकल मीन टाइम को, या फिर ऑप्शन नंबर सी वहां पे परमिट करेगा उस रूल में उस एरिया में जितने भी माइंस हैं सब में उस जो मीन टाइम को ऑब्जर्व किया है उसको इंप्लीमेंट करने का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। ये तीनों बात उस रूल में रहेगा, वो एरिया जिस एरिया में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन नंबर बी लोकल मीन टाइम जो वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, और ऑप्शन नंबर सी परमिट करेगा सच टाइम उस पूरे माइंस में ऑब्जर्व करने के लिए उस एरिया में जितने भी माइंस हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 3 नो प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट एक्सेप्ट ऑफ सेक्शन 7, 8, 9 40, 45, 46 shall apply in open cast mines if dash are not used in the mines. Section Mines Act 1952 का section 3 के अनुसार Mines Act 1952 का कोई भी provision except 7, 8, 9, 40, 45, 46 open cast mines में implement नहीं होगा जब तक कि उस mines में क्या use नहीं हो रहा हो। Option number A HEMM, option number B सारा mechanized machine, option number C explosive, या फिर option number D all। तो question number 9 का right answer हो जाएगा option number C explosive। बढ़ते हैं question number 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ अ पर्सन इज वर्किंग इन सिंकिंग शाफ्ट ही इज सेट टू बी एम्प्लॉयड इन। अगर कोई पर्सन सिंकिंग शाफ्ट में यानी कि शाफ्ट जो भी बन रहा है जिसका खुदाई चल रहा है अभी वैसे सिंकिंग शाफ्ट में कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उसको हम लोग किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। वो अबव ग्राउंड में एम्प्लॉयड है, ओपन कास्ट में है, या फिर अंडरग्राउंड जिसको आप बिलो ग्राउंड भी बोल सकते हैं स्लैश देके बिजी लिख लीजिए, बिलो ग्राउंड अंडरग्राउंड सेम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड या फिर बिलो ग्राउंड। ठीक है, ओपन कास्ट में हम लोग उसको बोलेंगे जो अबव ग्राउंड पे काम करता हो, अंडरग्राउंड में उसको बोलेंगे जो सुपरजेशन ग्राउंड से नीचे या फिर सिंकिंग शाफ्ट में कार्यरत हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है GMT स्टैंड्स फॉर, GMT का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन मीडियन टाइम, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच मीडियन टाइम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 है इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन माइंस विदाउट एनी वेजेस कैन वी कॉल हिम, या फिर हर एम्प्लॉयड इन अ माइन। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिना वेतन का माइंस में काम कर रहा है तो क्या उसको हम लोग बोलेंगे कि वो माइंस में एम्प्लॉयड है, माइंस में कार्यरत है, माइंस का एम्प्लॉय है। ऑप्शन नंबर ए यस बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी नो नहीं बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी अगर उसका अटेंडेंस फॉर्म डी में रजिस्टर हो रहा है तभी बोलेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिक्वायर्ड बाय मैनेजर, मैनेजर जैसा चाहे बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस। हम लोग माइंस में एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे, जो ओनर एजेंट और मैनेजर जिसका नियुक्ति किए हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मैनेजर के नजर में कार्यरत है, मैनेजर को पता है कि ये मेरे माइंस में काम कर रहा है, आइदर वो वेजेस उसको मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो, उसको हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑफिस ऑफ द माइन मीन्स ऑफिस एट द डैश ऑफ माइन कंसर्न, माइंस का ऑफिस हम लोग किसको बोलेंगे जो कहां पे होगा। ऑप्शन नंबर ए सरफेस पे, ऑप्शन नंबर बी बिलो ग्राउंड यानी कि सुपरजेशन ग्राउंड से नीचे, ऑप्शन नंबर सी आइदर दोनों में से कहीं भी रहेगा तो चलेगा, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरफेस, सरफेस पे यदि कोई ऑफिस है उसको हम लोग उस माइंस का ऑफिस को बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे नोटिस शॉल बी गिवन टू डैश ऑफ माइन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए नोटिस जो है चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर किसको देते हैं? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर को, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर को, ऑप्शन नंबर सी ओनर को, ऑप्शन नंबर डी नो नीड ऑफ नोटिस, बिना नोटिस के वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, और इसमें हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर ई आप लोग अपने से यहां पे ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई होगा 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1979, ऑप्शन नंबर बी 1924, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1970। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो मैंने अभी नया ऐड किया, जो छूट गया था, 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और माइंस एक्ट 1952 का पार्ट नंबर 4 भी लाएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मेरा क्वेश्चन का सेट आप लोग को कैसा लग रहा है, इस वीडियो को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें माइनिंग मिस्ट्री पे। टिल देन जय हिंद जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।